हेलो बच्चों, मैं हूँ सुधा डबरा। वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में हम क्लास 10th का चैप्टर एरियाज रिलेटेड टू सर्कल की एक्सरसाइज 12.2 करने जा रहे हैं। एक्सरसाइज 12.2 का क्वेश्चन नंबर 1 है, फाइंड द एरिया ऑफ अ सेक्टर ऑफ अ सर्कल विद रेडियस 6 सेंटीमीटर इफ एंगल ऑफ द सेक्टर इज 60 डिग्री। हमें सर्कल के सेक्टर का एरिया फाइंड आउट करना है जिसका रेडियस 6 सेंटीमीटर है और उसका जो एंगल हमें दे रखा है, सेक्टर का एंगल जो दे रखा है वो है 60 डिग्री। ओके बच्चों, चलिए अब क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो जैसे कि आप जानते हैं कि ये एक सर्कल है, ओके, और ये इसका सेंटर है ना, सेंटर ओ। और यहाँ पे एक सेक्टर बना दिया मैंने और सेक्टर में बनने वाला जो एंगल है डेट इज 60 डिग्री। ओके, तो इसी सेक्टर का हमें एरिया फाइंड आउट करना है जिसको मैंने शेड किया है। ओके, तो एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, बताओ। क्वेश्चन नंबर 1 करते हैं हम लोग। तो एरिया ऑफ सेक्टर इज इक्वल टू थीटा अपॉन 360 डिग्री पाई आर स्क्वायर। और आर आपको यहाँ पे क्वेश्चन में कितना गिवन है, 6 सेंटीमीटर, और थीटा आपको गिवन है 60 डिग्री। ओके बच्चों, नाउ थीटा की जगह हम 60 डिग्री लिख देंगे अपॉन 360 डिग्री मल्टीप्लाई पाई। पाई हमें बोला गया है इसमें, देखो आप क्वेश्चन में अगर देखोगे पाई हमें 22 अपॉन 7 रखनी है। ओके नाउ, और रेडियस हमें 6 है और यहाँ पे रेडियस का स्क्वायर है यानी कि हम 6 टू टाइम्स लिखेंगे। नाउ कैलकुलेट करते हैं, 0 से 0 कैंसिल, 6 6 36 होता है तो उसको भी कैंसिल कर दिया। हमारे पास आंसर आया, 22 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा 6 2 12 और 6 2 12 13 अपॉन 7। और बच्चों ये एरिया है और हमें रेडियस दे रखा है सेंटीमीटर में, तो जो आंसर आएगा बच्चों वो आएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। तो देखा आपने कितना सिंपल क्वेश्चन है ना। तो अब इस तरह से हम नेक्स्ट क्वेश्चन भी करते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 2। ओके ना, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 है, फाइंड द एरिया ऑफ अ क्वाड्रेंट ऑफ अ सर्कल हुज सर्कमफेरेंस इज 22 सेंटीमीटर। क्लियर बच्चों? तो यहाँ पे जो क्वाड्रेंट लिखा है ना, ये वाला, तो क्वाड्रेंट होता क्या है? क्वाड्रेंट क्या होता है, जैसे कि कोई सर्कल है और सर्कल का सेंटर है ओ, और इस सर्कल को हमने किसमें क्या किया, 4 पार्ट्स में डिवाइड किया है। ओके एक मिनट, इस सर्कल को हमने क्या किया है, 4 पार्ट्स में डिवाइड किया, ये हाफ हो गया और ये हो गया। तो ये जो है एक शेड, पूरे सर्कल में से मैंने 1 पार्ट को शेड कर दिया, तो इसके कितने हमने पीसेस किए सर्कल के, 4 पीसेस, और 4 पीसेस में से मैंने 1 पीस को शेड किया, तो दिस इज कॉल्ड क्वाड्रेंट। ओके, तो क्वाड्रेंट आप आपको समझ में आ गया क्या क्या किसे कहते हैं? ओके ठीक है। अब हम क्या करेंगे कि इसका एरिया फाइंड आउट करेंगे इस क्वाड्रेंट का, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन में हमें क्या दिया गया है, सर्कमफेरेंस दिया है बच्चों, सर्कमफेरेंस इज गिवन। तो सर्कमफेरेंस जो हमें ये गिवन है, हमें रेडियस नहीं दिया है, हमें सर्कमफेरेंस फाइंड आउट करना है। प्लीज डोंट टॉक, हाँ काम करो अपना, ठीक है। तो जब सर्कमफेरेंस गिवन है तो हम सर्कमफेरेंस से हम रेडियस फाइंड आउट करेंगे, दैट इज कैसे, देखो सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्कल हमें गिवन है 22 सेंटीमीटर, और आपको जानते हो कि सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्कल क्या होता है, 2 पाई आर होता है, दैट इज 22 सेंटीमीटर। ओके नाउ 2 मल्टीप्लाई पाई की वैल्यू रखोगे 22 अपॉन में 7, और रेडियस हमें नहीं गिवन है तो हम इसको एज इट इज आर लिखेंगे, इक्वल टू 22, ठीक है। अब 22 मल्टीप्लाई ये 7 चला जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई की वजह से ऊपर, और 2 और 22 ये वाले 22 और 2 जो है यहाँ पे डिनोमिनेटर में आ जाएंगे क्योंकि हम इसे क्या कर रहे हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई। ओके ये ऊपर गया ये, ठीक है, 22 से 22 हो गया कैंसिल, तो हमारे पास रेडियस कितना आ गया, 7/2 सेंटीमीटर। ओके अब हमने रेडियस तो फाइंड आउट कर लिया, अब हम क्वाड्रेंट का एरिया फाइंड आउट करेंगे। देखो बच्चों, क्वाड्रेंट असल में देखा जाए तो यहाँ पे
क्या बना रहा है, 90 डिग्री का एंगल बना रहा है, क्योंकि इसके फोर पार्ट्स किए गए, इस सर्कल के कितने पार्ट्स किए गए, फोर पार्ट्स, तो ये 90 डिग्री का एंगल बना रहा है, ठीक है। तो जो 90 डिग्री का एंगल है, तो आपके पास थीटा कितना हो गया, 90 डिग्री, या तो आप सेक्टर का फॉर्मूला लगा के आप सॉल्व कर सकते हैं, या फिर क्वाड्रेंट का है, जो सर्कल का जो एरिया है उसका 1/4 कर दो, तो वो भी आपका क्या बोलते हैं आंसर आ जाएगा, उसमें भी एरिया आ जाएगा। बात तो वही है कि आप क्वाड्रेंट का एरिया का फॉर्मूला यूज कीजिए या फिर सेक्टर का फॉर्मूला यूज कीजिए, तो आंसर आपका सेम आएगा, ठीक है। दोनों का मतलब एक है, मेरा ये कहने का मतलब है, ओके। तो चलिए, आपको सेक्टर का एरिया चाहिए तो मैं सेक्टर के फॉर्मूले से अप्लाई करती हूँ और आपके लिए सॉल्व कर देती हूँ। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि थीटा यहाँ पे कितना हो जाएगा, 90 डिग्री, और रेडियस कितना हो जाएगा, 7/2 सेंटीमीटर। आपको समझ में आया ना 90 डिग्री कैसे हुआ, क्योंकि मैंने सर्कल के फोर पार्ट्स कर दिए, जो ये आपस में एक दूसरे को क्या है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, तो यहाँ पे ये जो है 90 डिग्री एंगल बनाएंगे, क्योंकि ये दोनों क्या है, असल में डायमीटर्स हैं, ठीक है। और सम ऑफ एंगल्स एट द पॉइंट आपको मैंने बताया था, तो वही यहाँ पे भी अप्लाई होगा, ठीक है। इस पॉइंट पे इन सारे एंगल्स का सम कितना होगा, 360, जितने भी एंगल बनेंगे उनका सम कितना हो जाएगा, 360 डिग्री हो जाएगा, इसका मतलब ये होता है, ठीक है। तो यानी कि यहाँ पे कितने का 360 डिग्री का है, तो यहाँ पे कितने एंगल्स हैं, फोर एंगल्स, तो 360 डिग्री से डिवाइड कर दो, 360 को फोर से डिवाइड कर दो तो कितना आएगा, 90 डिग्री तो आएगा, तो इसलिए थीटा 90 डिग्री हो गया, ओके। नाउ एरिया ऑफ सेक्टर, ठीक है, एरिया ऑफ सेक्टर क्या होता है, थीटा अपॉन 360 डिग्री पाई आर स्क्वायर। तो बच्चों थीटा कितना है, 90 डिग्री अपॉन 360 डिग्री मल्टीप्लाई पाई की वैल्यू है 22/7, और रेडियस आया हमारे पास 7/2 मल्टीप्लाई 7/2। क्यों लिखा मैंने 7/2 दो बार, क्योंकि यहाँ पे रेडियस की पावर क्या है, 2 है, यानी कि रेडियस 2 टाइम्स है, तो 7 से 7 हो गया कैंसिल, और 0 से 0 कैंसिल, 9 4 36, ओके, ना 2 से 2 2 4 2 2 2 2, हमारे पास क्या आंसर आएगा कि 7 को जब आप 11 से मल्टीप्लाई करेंगे, दैट इज 77 अपॉन, ये भी 2 है, ये भी 2 है, इधर भी 2 है, तो 2 2 4 4 2 8 सेंटीमीटर स्क्वायर, ओके। ये एरिया है बच्चों, इसलिए इसका जो एरिया है वो सेंटीमीटर स्क्वायर में ही आएगा, ओके। इस तरह से हमने क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व कर दिया और हमारा आंसर आ गया 77/8 सेंटीमीटर स्क्वायर। हम एरिया फाइंड आउट कर रहे हैं, इसलिए जो भी यूनिट होगा उसमें स्क्वायर यानी कि 2 की पावर लगेगी। आप सब बच्चे इन चीज़ों का ध्यान रखते हैं, ये बहुत छोटी बातें होती हैं, आप लोग कई बार एग्जाम में ये यूनिट जो होते हैं ना, इसको नहीं लिख कर लाते, इसको नहीं लिखते हो, जिसके वजह से आपके मार्क्स डिडक्ट हो सकते हैं। तो प्लीज इन सब छोटी बातों का आप ध्यान रखिएगा, ओके। इसी के साथ मैं ये वीडियो एंड करती हूँ।